गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स सेक्शन ए एंड बी के लिए कॉमन लेक्चर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम देख रहे हैं। अ रेशियो इन इट्स लोएस्ट टर्म 3:7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज इज 320 फाइंड द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज पूछी है प्रॉब्लम में। अ रेशियो इन इट्स लोएस्ट टर्म 3:7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज इज 320, दोनों का डिफरेंस जो है वो 320 है, फाइंड द क्वांटिटीज। तो वो दो क्वांटिटी कौन सी है? सपोज फर्स्ट क्वांटिटी इज 3x, रेशियो जो दिया है उसके हिसाब से लेंगे, यानी पहली क्वांटिटी कौन सी है 3x, तो सेकंड क्वांटिटी कौन सी आएंगी 7x। इसलिए सपोज फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल टू 3x, देयरफॉर द सेकंड क्वांटिटी इज 7x। उनका डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कितना है 320, डिफरेंस है इसलिए यहां पर क्या लेंगे हम माइनस, देयरफॉर 7x माइनस 3x उनका डिफरेंस कितना है 320, तो कितना आएगा इक्वल टू 320, यानी 7x माइनस 3x इक्वल टू 320। तो यहां पर कितने बचते हैं 4x इक्वल टू 320, तो x इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल टू आता है 80। तो फर्स्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए देयरफॉर फर्स्ट क्वांटिटी, तो फर्स्ट क्वांटिटी कितनी कंसीडर की हमने 3x, तो 3 इनटू x की वैल्यू कितनी आई 80, तो 8 3 24, यानी 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 240। ये कौन सी क्वांटिटी मिली? ये हमको फर्स्ट क्वांटिटी मिली। सेकंड क्वांटिटी इक्वल टू कितनी कंसीडर किए थे 7x, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी निकली 80, तो 7 8 56, मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 560। तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी हुई 240 और सेकंड क्वांटिटी कौन सी हुई 560। यहां पर इक्वेशन लेते हुए पहले ध्यान में रखना है, जो जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से लेना है। दो क्वांटिटी पूछा है इसलिए फर्स्ट क्वांटिटी हमने कौन सी कंसीडर की थी, यहाँ पे 3:7 है इसलिए 3x, और सेकंड क्वांटिटी कौन सी की, यहाँ पर 7 है इसलिए 7x। दोनों का डिफरेंस कितना आया 320, इसलिए 7x माइनस 3x इक्वल टू हमने क्या लिया 320, तो 7 माइनस 3 4x बचते हैं इक्वल टू 320, तो 320 डिवाइडेड बाय 4 वो आते हैं x की वैल्यू 80। तो फर्स्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करते वक्त फर्स्ट क्वांटिटी कितनी कंसीडर किए थे 3x, तो 3 इंटू 80 वो आते हैं 240। सेकंड क्वांटिटी 7x, तो 7 इंटू x की वैल्यू आई है 80, वो आते हैं 560। उसी प्रकार से जो है वो सेकंड प्रॉब्लम है, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, नंबर्स के रेशियो दिए हैं 4:7। If 12 is added, if 12 is added, each number, अगर दोनों में 12 अगर मिला दिए तो each number, they are in the ratio of 7:10, उनका ratio कितना बन जाता है, उनका ratio बन जाता है 7:10, find out the numbers, तो वो दो number पूछे, क्या बोला है problem में, the numbers are in the ratio of 4:7, दो number जो है उनका ratio 4:7 है। If the 12 is added in each number, दोनों में अगर 12 add कर दिए गए, तो they are in the ratio, उनका ratio कितना हो जाता है 7:10। Find the numbers. तो इसी प्रकार से solve करेंगे। Suppose first number is 4x. यहाँ पर पहले 4:7 है, तो पहला number क्या आएगा 4x. Therefore second number क्या आएगा 7x. अब 4x आगे क्या बोला है 12 is added in each number, यानी दोनों में अगर 12 मिला दिए तो 4x plus 12 divided by 7x plus 12, दोनों में अगर 12 add किए तो उनका ratio कितना होता है equal to 7/10, उनका ratio कितना आता है 7:10, यानी 7/10। equation ध्यान में रखना है 4x plus 12, plus 12 कहाँ से आए
12 is added in each number, अगर दोनों में 12 add कर दिए तो हमने 4x, 4x में भी 12 add कर दिए, 7x में भी 12 add कर दिए, तो ratio नया कितना बनता है बोले 7:10 यानी 7/10. अब ये equation को solve करना है, तो इस cross multiplication, तो 10 यहाँ पर आ जाएंगे, 10 in bracket 4x plus 12 bracket complete equal to ये 7 यहाँ पर आ जाएंगे cross multiplication में in bracket में 7x plus 12. ये इक्वेशन को सॉल्व किए 10 4 40x प्लस 10 × 12 = 120 इक्वल टू 7 × 7 = 49x प्लस 7 × 12 = 84. तो यहां पर 40x, अब यहां के 49x इधर आ जाएंगे, मतलब वो माइनस होंगे, तो 40x माइनस 49x इक्वल टू ये 84 एज इट इज, ये 120 इधर आएंगे करके यहां पर माइनस हो जाएंगे, माइनस 120. तो 40x माइनस 49x तो आते हैं माइनस 9x इक्वल टू 84 माइनस 120 तो आते हैं माइनस 36. तो x इक्वल टू माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये माइनस 9. तो यहां पर x इक्वल टू आते हैं यहां माइनस माइनस करके प्लस 4. लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, आगे क्या पूछा है, फाइंड दी नंबर्स, दो नंबर्स. तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या लिए थे हमने, 4x. तो 4 एज इट इज और x की वैल्यू कितनी आई है, 4 × 4 = 16, यानी फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ, फर्स्ट नंबर हुआ 16. देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितने लिए थे, 7x. तो 7x इक्वल टू 7 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 4. तो 7 × 4 = 28, यानी लिखते वक्त फर्स्ट नंबर इज 16 एंड सेकंड नंबर इज 28. तो ये हो गया उसका आंसर. यानी इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद इक्वेशन उसका क्या होता है, ये पहले इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. अगर इक्वेशन गलत हो गया तो आंसर वहां से गलत आ जाएगा. ये भी जैसा प्रॉब्लम में कहा गया है उसी प्रकार से हमको इक्वेशन करना है. अगर इक्वेशन फर्स्ट में ही अगर इक्वेशन गलत हो गया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा. तो इक्वेशन ही ध्यान में रखना है. ये और इसके पहले के लेक्चर के जो दो प्रॉब्लम है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है. पीडीएफ में जो आपको दिए हैं प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करके देखना है. आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.